आपको तीन जुमले नजर आ रहे हैं, ही इज रनिंग। यहाँ पे भी आपको रनिंग का वर्ड नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पे जो रनिंग का वर्ड है वो मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। और अगर आप नीचे आकर देखें तो यहाँ पे अगेन रनिंग का वर्ड है, जो कि यहाँ पर जेरंड के तौर पे यूज हुआ है। तीनों ही एक जैसे वर्ड हैं, स्पेलिंग भी सेम है। अगर नीचे आकर देखें, अगेन रनिंग का वर्ड है, ऐसा रनिंग मैन। लेकिन यहाँ पर जो रनिंग का वर्ड है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल और एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। ऐसा क्यों है और हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि एक ही वर्ड जिसके एंड में आईएनजी आ रहा है वो वर्ब भी हो सकता है, वो जेरंड भी हो सकता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। लेकिन क्या ट्रिक्स हैं, क्या क्लूज हैं, किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, चले आए सीखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। एक सिंपल सी बात याद रखें कि जब भी ये जो आपके सादा वर्ब हैं जिनकी हम थ्री फॉर्म्स बना लेते हैं, गो वेंट गॉन, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, ये हमारे होते हैं फाइनाइट वर्ब्स। दुनिया में जितने भी वर्ब हैं वो सारे फाइनाइट हैं। तीन ही वर्ब ऐसे हैं जो नॉन फाइनाइट हैं, जैसे कि उनको हम कहते हैं जेरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। ये क्या होते हैं? तीनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। ये नाउन के तौर पे भी काम करते हैं, सब्जेक्ट के तौर पर भी, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी। क्या होते हैं, चले आए देखते हैं। तो आपको समझ आ गया कि नॉन फाइनाइट वर्ब सिर्फ तीन हैं, जेरेंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल। और बाकी हमारे ये वाले जो रेगुलर वर्ब हैं, जो हमारे जिनकी फॉर्म बन जाती हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दी, गो वेंट गॉन, ये हमारे जो हैं वो फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। अगर हम देखें इन थ्री वर्ड्स को, जेरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल को, तो जेरेंड को सबसे पहले देखते हैं। जेरेंड क्या है? जब हम किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो बन जाता है एक नाउन, किसी चीज का नाम बन जाता है। जैसे स्विम के साथ अगर आप आईएनजी लगाते हैं तो बन जाता है स्विमिंग। अब यहाँ पे जो वर्ड स्विमिंग है, इसका मतलब है तैराकी, तैरना। रीडिंग का मतलब है, आईएनजी लग गया इसके साथ तो ये भी बन गया जेरेंड। लेकिन जुमले में कैसे पता चलेगा जेरेंड है, या वीडियो के साथ साथ देखेंगे। और ये जब आईएनजी वाले वर्ड जो नाउन के तौर पर काम करें, जब हम किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगाएं और वो नाउन बन जाए, किसी चीज का नाम बन जाए, तो उसको हम कहते हैं जेरेंड। जैसे आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए, पढ़ना, पढ़ने का वर्ड होता है रीड। अगर आप कंटिन्यूस टेंस यूज करें तो आप कहते हैं रीडिंग, आई एम रीडिंग। लेकिन अगर आपने पढ़ाई का वर्ड यूज करना हो कि पढ़ाई मुझे बहुत पसंद है, तो आप बोलेंगे रीडिंग इज, या आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड रीडिंग है उसका मतलब पढ़ाई भी हो सकता है, उसका मतलब पढ़ रहा हूँ भी हो सकता है। इसी तरह राइटिंग का मतलब है मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। और अगर आप कहते हैं मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है, माई राइटिंग, तो यहाँ पे राइटिंग जो होगी वो बन जाएगी लिखाई, और वो क्या बन जाएगी, वो आपका बन जाएगी जेरेंड। जेरेंड कहते हैं यानी वर्ब के साथ आईएनजी तो लगा हो लेकिन वो एक नाउन के तौर पर काम करे, किसी चीज का नाम बन जाए, कोई एक्टिविटी बन जाए, किसी एक्शन को जो है वो शो कर रहा हो। आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूँ। अच्छा जी, स्विमिंग मुझे बहुत पसंद है, तैराकी, क्या वर्ड है, तैराकी। उर्दू में हम कहते हैं तैराकी यानी तैरना। तो एक जो है वो हमारा, अगर हम आईएनजी लगा रहे हैं तो उसका मतलब तैरना भी हो सकता है, और आईएनजी वाले का मतलब तैराकी भी हो सकता है। तो ये क्या है, इनको हम डिटेल में देखेंगे। साथ में हम देखते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? जब भी हम टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो वो बन जाती है इन्फिनिटिव। जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें आप इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। आई वॉन्टेड टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो टू गो है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये इन्फिनिटिव है। शी डिसाइडेड टू हेल्प हर, यहाँ पे टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये हमारा इन्फिनिटिव है। अब आते हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, वो है पार्टिसिपल। देखें, वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं। जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, डैमेजिंग, स्लीपिंग, कोई भी, जितनी भी दुनिया में सारी आईएनजी वाली फॉर्म्स हैं वो क्या कहलाएंगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल।
और जो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जैसे गो वेंट गॉन, जो गॉन वाली फॉर्म है, बाक्ड डैमेज, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये हमारे कहलाते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या कहलाते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल हों या प्रेजेंट पार्टिसिपल हों, कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर इनको हम एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ होना ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे वीडियो लगा दी है मैंने, आप देख लीजिएगा। और कंडीशनल की वीडियो भी मैंने लगाई है, अगर आपने वो भी नहीं समझे हुए तो उनको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। अभी आते हैं फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। आईएनजी वाले क्या होंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो ईडी वाले या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमारी होगी पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन अभी हमने ये देखना है कि किस तरह हम पहचानेंगे, हमने ये तो देखना है, हमने देखना है कि क्या ये लफ्ज जेरेंड है, क्या ये लफ्ज इन्फिनिटिव है, क्या ये लफ्ज पार्टिसिपल है, क्योंकि तीनों के साथ आईएनजी लग सकता है। आईएनजी वाला वर्ड जेरेंड भी हो सकता है, आईएनजी वाला इन्फिनिटिव भी हो सकता है, आईएनजी वाला वर्ड पार्टिसिपल भी हो सकता है। ही इज रनिंग। अब देखते हैं, मैंने जो आपको सबसे पहले जो एग्जाम्पल दी थी उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। ही इज रनिंग, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ही वो भाग रहा है, ये किसी एक्शन के बारे में बता रहा है। तो ये आई एन जी है और एक्शन के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा मेन वर्ब है। ये हमारा क्या है? मेन वर्ब है, या आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखें, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे रनिंग जो है वो एक नाउन के तौर पे यूज हुई, यहाँ का इसका मतलब ये नहीं है कि भाग रहा हूँ, यह है भागना, भागना सेहत के लिए अच्छा है, कोई एक्टिविटी है वो सेहत के लिए अच्छी है। यहाँ पे भागना जो है, ये जो रनिंग है यहाँ पे जेरंड के तौर पे यूज हुआ है, यानी नाउन के तौर पर यूज हुआ है, किसी एक्टिविटी का नाम है। एक्टिविटी क्या है? भागना। अगेन यहाँ पे देखें, आई सॉ अ रनिंग मैन, मैंने एक भागता हुआ आदमी देखा। अब देखें, जब भी कोई चीज़ नाउन के बारे में बताती है तो वो एडजेक्टिव होती है। अब ये वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है और साथ में एडजेक्टिव भी है, तो यही आपने पहचानना है, ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है और एडजेक्टिव भी है। अब देखें आपके तीनों वर्ड्स सेम टू सेम है, रनिंग रनिंग रनिंग, लेकिन अलग अलग हैं और हमने इनको देख के पहचाना कि जब भी हम कोई इस तरह का जुमला बनाते हैं, ही इज वो कर रहा, ही इज वो, आगे हमने कुछ बताना है कि वो क्या कर रहा है, रनिंग एक्शन है, तो ये हमारा वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब रनिंग जो है वो बाहर आ गया, एक एक्टिविटी के तौर पे एक नाउन बन गया, यानी भागना, भागना जी बड़ा अच्छा है, भागना मुझे पसंद है, तो ये हमारा बन गया जेरेंड। जब हमने देखा कि आई सॉ अ रनिंग मैन, तो रनिंग मैन जो है इस मैन के बारे में ये हमें बता रहे हैं, तो ये हमारा एडजेक्टिव भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है। फिर से देखते हैं, जैसे ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है डैमेज डैमेज डैमेज्ड, ये जो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये हमारी कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल, और ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होती है। ये जो हमारे आई एन जी वाले पार्ट हैं, ये आई एन जी वाले पार्ट हमारे कहलाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव। एक और चीज़ है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको हम वीडियो के एंड में देखेंगे ताकि सारी चीज़ें एकदम से मिक्स ना हो जाएं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जाम्पल देखते हैं, आपको जो वर्ड येलो में नज़र आ रहे हैं, आई वॉज रीडिंग, ये हमारा एक्शन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है और हमारा मेन वर्ब भी है। आई एम रीडिंग, ये भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन ये मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। यहाँ पे भी हमारा मेन वर्ब है लेकिन ये हमारा पैसिवाइज है, बींग डॉट। अगर हम कहें बार्किंग डॉग,
तो यहाँ पे हमने जो वर्ब लगाया है ना, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, आपने अक्सर सुना होगा, यहाँ से मुराद है हमारी यानी भौंकता हुआ कोई डॉगी। तो ये हमारा ing जो है यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ing है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है लेकिन एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। ठीक है जी। स्लीपिंग ब्यूटी, वो कोई ऐसी ब्यूटी है जो सो रही है, तो ये ब्यूटी के बारे में स्लीपिंग बता रहा है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव हुआ है। अब देखें जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल, डिस्ट्रॉयड। आई वॉज डिस्ट्रॉयड, मैं तबाह हूँ, बर्बाद हो गया, ये हमें इसके बारे में बता रहा है। तो ये भी हमारा वैसे तो पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन किसके तौर पे यूज हुआ है, एडजेक्टिव के तौर पे, क्योंकि ये हमें प्रोनाउन आई के बारे में बता रहा है। इसी तरह शी वॉज लॉस्ट, तो ये हमें शी के बारे में बता रहा है, तो ये भी हमारा पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ। ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास। यहाँ जो वर्ड ब्रोकन है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, पास्ट पार्टिसिपल है और किस तरह यूज हुआ है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। टूटे हुए ग्लास के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे, ब्रोकन ग्लास। यहाँ पे जो वर्ड ब्रोकन है वो एडजेक्टिव है। डेवलप्ड कंट्रीज, ये तो हमने बार बार सुना हुआ है, डेवलप्ड कंट्री, तरक्की याफ्ता मुल्क। तो देखें यहाँ पे हमारी पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी जो नाउन की खूबी या खामी के बारे में बताता है। अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ ना, इट मॉडिफाइज अ नाउन, इट डिस्क्राइब्स अ नाउन, तो आपके माइंड में कुछ अजीब सी उलझन सी होगी। सिंपली याद रखें, कोई भी लफ्ज़ किसी भी चीज़ के बारे में हमें बताता है, उसकी अच्छी बातें उसकी गंदी बातें, तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। अब ये कंट्रीज के बारे में बता रहा है कि वो डेवलप्ड है। डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज, जो अभी डेवलप हो रहे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। अब ये हमारा देखें, आप मुझे बताएं कि डेवलपिंग में ing आ रहा है, डेवलपिंग कंट्री जो अभी डेवलप हो रहे हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है लेकिन एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। और ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है बट ये भी हमारा एडजेक्टिव की तरह ही यूज हुआ है। अब मैंने आपको बताया था, एक और हमारा होता है जिसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब हम हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। हैविंग डन माई टास्क, अपना काम करने के बाद मैं सो गया। हैविंग डन माई डिनर, डिनर करने के बाद, यानी आपने हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। आई वेंट टू स्लीप, मैं सो गया। तो ये था हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारे ing वाले वर्ड हैं वो कभी कभी एडजेक्टिव के तौर पर भी बिहेव करते हैं, तो वो हम उनको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और जो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि आपको ये ग्रीन वाले वर्ड नजर आ रहे हैं, ये वाले, तो ये हमारे पास्ट पार्टिसिपल हैं लेकिन एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुए हैं। और ये हमारे ing वाले वर्ड तो हैं लेकिन ये हमारे मेन वर्ब हैं, ये हमारे एक्शन हैं, मेन वर्ब हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आप इनको कहते हैं लेकिन ये एडजेक्टिव के तौर पर नहीं यूज हुए, ये वर्ब के तौर पर यूज हो रहे हैं, सिंपल किसी एक्शन के बारे में हमें बता रहे हैं। और जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है इसमें हम हैविंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। आई सॉ अ फॉलिंग लीफ, फॉलिंग का मतलब है गिरता हुआ। यहाँ पे फॉलिंग लीफ का मतलब है गिरता हुआ पत्ता। इमेजिन करें, एक पत्ता गिर रहा था और आपने उसको देखा, एक पत्ता गिरता हुआ पत्ता आपने देखा। तो जो गिरता हुआ वर्ड है ये हमारा है तो ing में लेकिन ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है। अब हम देखते हैं आई सॉ अ फॉलन लीफ, फॉलन का मतलब है वो पत्ता जो गिर चुका है, अभी गिर नहीं रहा बल्कि कि पहले ही गिर चुका है। आपने गिरा हुआ पत्ता देखा, यहाँ पे था गिरता हुआ और यहाँ पर है गिरा हुआ। ये जो गिरा हुआ पत्ता है ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है फॉल फेल फॉलन, लेकिन एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है।
जैसे हम कहते हैं ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल, तो ब्रोकन हार्ट भी जो है वो एडजेक्टिव है, आपका ब्रोकन जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। द फॉलन लीफ, गिरा हुआ पत्ता, तो यहाँ पे भी ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, ये फॉलन एडजेक्टिव है। द फॉलन लीफ वॉज देयर ऑन द फ्लोर, जमीन पर या फर्श पर एक टूटा हुआ पत्ता, गिरा हुआ पत्ता पड़ा था। आई एम वेरी डिस्टर्ब, मैंने आपको पहले भी बताया, इंसानों के लिए कोशिश करें ईडी वाला यूज करें, यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते आई एम वेरी डिस्टर्बिंग, तो ये तो मतलब ही कुछ और हो जाएगा कि आप शायद, बल्कि गलत ही कहें, आप यहाँ पे लगाएं आई एम डिस्टर्ब, मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ, जहनी तौर पर उलझा हुआ हूँ। कोई चीज़ है, इट वॉज क्वाइट, मे बी कोई सिचुएशन है, कोई मसला है, तो आप उसको कहेंगे इट वॉज क्वाइट डिस्टर्बिंग। अभी आई एन जी है, आई एन जी है तो ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन ये हमें किसके बारे में बता रहा है, ये हमें के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। द मूवी इज बोरिंग, बोरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, मूवी जो है वो बहुत ही बोरिंग है, बोरिंग क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कैसे यूज हुआ है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। इसी तरह ये जो नीचे वाली लास्ट एग्जाम्पल है, ये हमारी है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हम हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, हैविंग बोर्ड देयर, वहाँ पे बोर होने के बाद आई लेफ्ट दैट प्लेस, मैंने वो जगह छोड़ दी, तो यहाँ पे जो हैविंग बोर्ड है ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। आई एम रीडिंग, अगर हम इस वर्ड रीडिंग को देखें, मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रीडिंग, ये हमारा वर्ब है, ये हमारे एक्शन को बता रहा है, तो ये हमारा वर्ब है, ये हमारा एडजेक्टिव नहीं हो सकता, ना ही ये हमारा जेरंड है। रीडिंग इज माई हॉबी, रीडिंग कोई एक्टिविटी है, कोई एक्टिविटी है, जैसे आप कहते हैं पढ़ाई, रीडिंग का क्या मतलब है, पढ़ाई, मुझे पढ़ाई जो है वो पसंद है, पढ़ाई मेरी हॉबी है, पढ़ाई का लफ्ज़ जो है जिसे उर्दू या हिंदी में पढ़ाई कहते हैं वो क्या होगा, वो जेरंड, क्योंकि इसके साथ आई एन जी तो लगा है लेकिन ये एक नाउन के तौर पे काम कर रहा है। इसी तरह रीडिंग इज इंटरेस्टिंग, अगर हम इंटरेस्टिंग को देखें या रीडिंग को छोड़ दें, इंटरेस्टिंग को देखें, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का दिलचस्प होना, तो हम कह रहे हैं कि जो रीडिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ी ही दिलचस्प है, मज़े की चीज़ है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। आई लव टू रीड बुक, जब टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो ये हमारा इन्फिनिटिव होता है, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ वर्ब है, यहाँ जेरेंड है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, और यहाँ पर हमारा इन्फिनिटिव है। लेकिन जब तक हम किसी चीज़ की एक्सरसाइज नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, हमें समझ नहीं आता। अब यहाँ पे आप देखें स्विमिंग, स्विमिंग यहाँ पे एक नाउन के तौर पे यूज हुआ है, मेरी हॉबी स्विमिंग है, तो स्विमिंग जो है इसका मतलब है तैराकी, तैरने की जो एक्टिविटी है वो मेरी हॉबी है, तो ये हमारा जेरेंड है। ही स्विमिंग, वो क्या कर रहा है, स्विमिंग, उसका एक्शन क्या है, स्विमिंग, तो ये हमारा वर्ब है। वॉकिंग इन स्ट्रीट इज रिस्की फॉर यू, गली में चलना, यहाँ पे जो वर्ड चलना एक एक्टिविटी है जो कि जेरंड है, अगर चाह किसके साथ आई है जी, ही वॉज वॉकिंग, वो क्या कर रहा था, वॉकिंग, वॉक कर रहा था, ये एक्शन है, तो ये हमारा वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। ही इज सरप्राइज्ड, अब यहाँ पे सरप्राइजिंग वर्ड भी लग सकता है, सरप्राइज्ड भी लग सकता है, आपने बताना है दोनों में से कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पे सरप्राइजिंग नहीं लग सकता, जब आप किसी इंसान की बात करते हैं, ये मेरा एक ट्रिक ही है, 100% तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये कि जब आप किसी इंसान की बात करते हैं तो उसके साथ हमेशा ईडी वाले जो हैं वो एडजेक्टिव्स जाते हैं, ज्यादातर आईएनजी वाले नहीं आते, यानी ही सरप्राइज्ड बाय हिज बिहेवियर, वो सरप्राइज्ड है, वो हैरान है, तो ये हमारा क्या है, एक तो ये हमारा है पास्ट पार्टिसिपल भी है और एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये हमें ही के बारे में बता रहा है। हिज बिहेवियर इज वेरी सरप्राइजिंग, जब हम किसी एक्शन की, किसी चीज की बात करते हैं तो उस पे हम भी सरप्राइजिंग का वर्ड लगाते हैं, अगर आप यहाँ पे कहते हैं हिज बिहेवियर इज वेरी सरप्राइज्ड तो ये गलत होगा, सरप्राइजिंग ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है, ये हमें किसके बारे में बता रहा है, गेस करें, उस इंसान के बिहेवियर के बारे में बता रहा है, तो कोई भी चीज
जो किसी भी दुनिया की किसी भी नाउन की बारे में हमें बताती है, उसकी अच्छी चीज़ें, उसकी बुरी चीज़ें, उसके प्लस पॉइंट, उसके नेगेटिव पॉइंट, वो एडजेक्टिव होती है। तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन कौन से वाला एडजेक्टिव है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये वाला, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये कौन से वाला एडजेक्टिव है? आई सॉ अ डांसिंग डॉल। अब देखिए, नाचती हुई गुड़िया, यहाँ पे जो वर्ड डांसिंग है, ये डॉल के बारे में बता रहा है। ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है, लेकिन एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। डांसिंग इज नॉट लाइक हियर, यहाँ पे नाच गाना। अब यहाँ पे वर्ड क्या है? नाच गाना, नाचती हुई नहीं, नाच गाना। तो ये हमारा जेरेंड है, ये हमारी एक एक्टिविटी है जिसका नाम है नाच गाना, डांसिंग। तो ये हमारा जेरेंड है। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टेड या इंटरेस्टिंग। देखें, जब हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं तो फिर आप उसमें ईडी में जाएंगे। अगर आप किसी चीज़ की बात करें तो आप लिखेंगे दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या होता है? दिलचस्प, ये किताब बहुत दिलचस्प है। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन एडजेक्टिव है। आई एम इंटरेस्टेड, मैं उस चीज़ में, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। मे बी कोई इंसान है, कोई बॉय है, कोई मैन है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टेड का वर्ड है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, और ये भी हमारा एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ। यानी ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम करिए कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। ये इंटरेस्टेड एडजेक्टिव है क्योंकि ये आई के बारे में बता रहा है, आई की खूबियाँ खामियाँ बता रहा है। द डैमेज सिटी वॉज रीबिल्ट। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि डैमेज आएगा या डैमेजिंग होगा। अगर आप डैमेज का वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब है डैमेज हो चुका है। जो डैमेज सिटी है, जो जो तबाह व बर्बाद शहर है, उसको दोबारा से आबाद किया गया। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। लेकिन अगर हम कहते हैं इट वॉज क्वाइट डैमेजिंग फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए ये बहुत ही डैमेजिंग है। यहाँ पे आप कभी भी डैमेज नहीं लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे किसी चीज़ की बात कर रहे हैं। इट वॉज क्वाइट डैमेजिंग कंपनी के लिए, तो ये बहुत ही डैमेजिंग था। कोई एक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे डैमेज्ड, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। हिज हाउस वॉज डैमेज्ड। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि कहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच को लाजमी देखिएगा। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आएंगे तब आप इस वीडियो से कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद हम लाजमी जेरंड यूज होता है, और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हमें इन्फिनेटिव यूज़ करना होता है, और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो दोनों को साथ लेकर चलते हैं। तो चले आए हम देखते हैं कि डिसाइड और प्रोमिस, डिसाइड और प्रोमिस, ये जो दोनों वर्ड्स हैं इनके साथ हम हमेशा इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। He decided to help her. उसने उसकी मदद करने के बारे में फैसला किया। उसने वादा किया वहाँ जाने का। कोई काम जो अभी आपने करना है, तो यहाँ पे आप इन दोनों लफ्ज़ों के साथ आप इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं enjoy और escape। इनके बाद हमेशा जो है वो आपको gerund लगाना है, यानी ing form of verb लगानी है, जो कि noun के तौर पे काम करती है। He enjoys, वो enjoy करता है। क्या enjoy करता है? Swimming को। He escaped, वो बच गया। किससे बच गया? फॉलिंग, गिरने से। तो यहाँ पे जो दोनों हमारे आई एन जी वर्ब फॉर्म हैं, ये हमारी जेरेंड हैं, यानी एज अ नाउन काम कर रही हैं। अब हम देखते हैं लव और कंटिन्यू। ये दो वर्ब ऐसे हैं, आपकी मर्जी है इनके साथ चाहे इन्फिनेटिव लगाएं चाहे तो जेरेंड लगाएं। यानी अगर आप ये कहते हैं आई लव टू प्ले, मुझे खेलना अच्छा लगता है। आई लव प्लेइंग, मुझे खेल अच्छा लगता है, ये खेल खेलना अच्छा लगता है, तो दोनों ही ठीक हैं। लेकिन ये जो वर्ड हैं रिमेंबर और स्टॉप, ये भी इनके साथ आप जेरंड भी लगा सकते हैं और इनके साथ आप इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं। लेकिन आगे आपको ब्लू में नज़र आ रहा है सेंस चेंज। जब हम जेरंड लगाएंगे तो मतलब कुछ और बन जाएगा, जब इन्फिनेटिव लगाएंगे तो मतलब कुछ और बन जाएगा। कैसे? आई रिमेंबर टू कॉल यू, मैं याद रखता हूँ टू कॉल यू, तुम्हें कॉल करना। मैं तुम्हें कॉल करने को याद रखता हूँ, यानी मैं हमेशा याद रखता हूँ कि मुझे तुम्हें कॉल करनी है। आई रिमेंबर, मैं याद करता हूँ कॉलिंग यू। कॉलिंग जो है यहाँ पे जेरेंड है। कॉलिंग से मुराद है वो कॉल करने की एक्टिविटी। में भी आपको याद, दो यादों की बात कर रहे हैं कि मैं याद करता हूँ ना वो जब मैं तुम्हें कॉल करता था। आप उस कॉल को याद करते हैं, उस एक्टिविटी को याद करते हैं जब मैं तुम्हें कॉल किया करता था।
तो समझ आ रही है आपको? यानी मैं याद करता हूँ तुम्हें कॉल करने की एक्टिविटी को, तुम्हें कॉल करने के एक्शन को याद करता हूँ। और ऊपर वाली लाइन का मतलब है कि मैं याद रखता हूँ कि मुझे कॉल करनी है तुम्हें, ठीक है? और इसका मतलब है मैं याद करता हूँ तुमसे की गई कॉल्स को, उस एक्टिविटी को, उस खुशी को, उस लम्हे को याद करता हूँ। आई स्टॉप टू टॉक यू, मैं उससे बात करने के लिए रुक गया। और आई स्टॉप टॉकिंग टू यू, मैंने तुमसे बात करनी छोड़ दी। अब यहाँ टॉकिंग जो है वो है गुफ्तगू, बातचीत। मैंने छोड़ दी तुम्हारे साथ बातचीत करना, और यहाँ पे है मैं रुका तुमसे बात करने के लिए। तो दोनों में कितना फर्क है? अगर आप ये कहते हैं कि मैं तुमसे बात करने के लिए रुका, और अगर आप ये कहते हैं मैंने तुमसे बातचीत ही बंद कर दी है, तो दोनों टोटली अलग हैं। तो आपको ये समझना है कि रिमेम्बर और स्टॉप के साथ जब हम जेरेंड या इन्फिनिटिव लगाते हैं तो सेंस जो है वो हमारी चेंज हो जाती है। यहाँ पर सेंस चेंज नहीं होती। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं जिनके बाद हम हमेशा जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इनके साथ हमेशा हम जेरेंड का वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं इनके साथ हमेशा हम इन्फिनिटिव को यूज़ करते हैं। जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल देखी, ही डिसाइडेड टू हेल्प हर, ही फेल्ड टू पास द एग्जाम्स। तो यहाँ पे आप इन्फिनिटिव को यूज़ करते हैं। जिनके साथ आप चाहें तो जेरंड को यूज़ करें, और चाहें तो जो है आपकी अपनी मर्जी है, आप उनके साथ इन्फिनिटिव को यूज़ करें। लेकिन जैसे कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में ही देखा कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे स्टॉप है या रिमेम्बर है और फॉरगेट है, क्विट है। इन वर्ड्स को जब हम जेरंड या इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं तो इनकी जो सेंस है वो चेंज हो जाती है, जुमले का मतलब बदल जाता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, मैं तुमसे बात करने के लिए रुका और मैंने तुमसे बातचीत बंद कर दी। तो इसी तरह आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल बी देयर टू आंसर।